नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराजा अग्रसेन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज जो गुरु तेग बहादुर में संविधान के बारे में चर्चा की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही बेहतर विषय है कि क्योंकि दो बार अब तक संविधान समीक्षा की बात हो चुकी है और आज इस बात का पता लगाना बेहद आवश्यक है कि पिछले 70-72 सालों में संविधान के द्वारा समाज के वंचित वर्गों ने, महिलाओं, दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासी समुदाय ने क्या खोया और क्या पाया, क्या संवैधानिक अधिकार उनकी सभी इच्छाओं को, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। तो आज इसकी समीक्षा करना बेहद रेलिवेंट और प्रासंगिक है, ये एक बहुत ही बेहतर विषय है मुझे लगता है कि आज के समय का। नहीं, हर बात में ब्राह्मणवाद कहाँ से आया था? जब जब किसी कोई भी अत्याचार होता है तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि हर बात में ब्राह्मणवाद चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक जातिगत अत्याचार की बात है या सामाजिक विभेदन की बात है या पद सोपानीयता या सामाजिक हायरार्की की बात है, तो उसके लिए निस्संदेह ब्राह्मणवाद ही जिम्मेदार है और ब्राह्मणवाद को ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी कि वो समाज में उपस्थित सामाजिक अन्याय के लिए मूलभूत रूप से जिम्मेदार है। इससे ना तो ब्राह्मणवादी ढांचा इनकार कर सकता है और ना ही देश का प्रबुद्ध समाज। तो ब्राह्मणवाद को हमें जिम्मेदार कुछ हद तक या कहीं काफ़ी हद तक मानना ही पड़ेगा।